आप देख रहे हैं सेहत की बात करिश्मा के साथ। पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक हेल्थ सीरीज चला रहे हैं एक हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, जिसमें हम लोग तरह तरह के टॉपिक्स लेते रहते हैं। जैसा कि इस बार का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्स फॉर कोविड एंड पोस्ट कोविड पेशेंट्स, यानी कि जो कोविड के पेशेंट्स है या जो कोविड से रिकवर कर चुके हैं उन्हें किस तरह के फूड गाइडलाइंस या किस तरह के सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए, उनका जो खाने का जो है वो जो आहार है उसका कार्यक्रम कैसा रहना चाहिए, उसमें उन्हें क्या चीजों को ऐड करना चाहिए और किस तरह के सप्लीमेंट्स को नहीं लेना चाहिए, इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हर फ्राइडे की तरह आज भी करिश्मा अपने वंडरफुल इंसाइट्स के साथ हमारे शो में मौजूद है। करिश्मा शाह जो कि एक हेल्थ एंड फिटनेस कोच और वेट लॉस एक्सपर्ट भी है। हेलो करिश्मा, वेलकम टू सेहत की बात। हेलो स्मिता, हाय। सो करिश्मा, अभी के समय में अगर हेल्थ की बात चलती है तो हम कोविड के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन करते हैं। एक तो एक बहुत हद तक ये टेंशन का विषय बना हुआ है, हर तरह से न्यूज आ रही होती है, बहुत बार बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की यस अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो एक तरह से एक बहुत ही पैनिक कंडीशन है। लेकिन उसमें हमें अपना धैर्य बना के रखना है और साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी पे भी ध्यान रखना है कि किस तरह से हम इस रोग से बच सके। और अगर जिन लोगों को ये कोविड हो चुका है वो अपने खाने पीने का बहुत ध्यान दें ताकि वो इससे जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। तो आज का जो डिस्कशन है हम लोग इस बर्निंग इशू पे इसी पे आप बात करेंगे। आइए जानते हैं करिश्मा से कि वो कौन से इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं जो कि कोविड एंड पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल थैंक हैं। यू स्मिता फॉर टेलिंग एवरी वन द टॉपिक टूडे। सो आई वॉन्ट टॉक अबाउट फोर इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्स। ये चार सप्लीमेंट्स अगर जिन लोगों को फिलहाल अगर कोविड है वो कोविड पॉजिटिव है उन्हें भी लेना चाहिए, और जो अभी फिलहाल रिकवर जिन्होंने हाल ही में रिकवर किया है उनके लिए भी ये सप्लीमेंट्स लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक्सप्लेन करूंगी क्यों। We'll start with the first one, the most important one, vitamin D. Vitamin D3 is extremely important for our recovery process. ऑलरेडी बहुत सारा चर्चा हो चुका है विटामिन डी के बारे में, तो मैं उसके एकदम निटी-ग्रिटी में नहीं जाऊंगी, बट why is it important for COVID people is because हमारा overall immunity level बहुत low हो चुका है, हमने antibiotics ले ही है, हमारा जो gut health है, जो हमारा stomach का health है वो अभी थोड़ा deteriorate हो गया है, तो उसको build करने के लिए and बहुत सारे लोग जो quarantine हुए हैं 14 days के लिए उन्होंने इतना sun exposure नहीं लिया होगा, probably diet भी इतना नहीं ध्यान रखा होगा उसके लिए। क्योंकि जब सिम्टम्स हैं, यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू डोंट वॉन्ट टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स सो विटामिन D3 द डोजेज इज 60K। 60K का जो एक डोज आता है वो एक कैप्सूल के फॉर्मेट में आ सकता है, लाइपोसोमल लिक्विड की तरह आ सकता है। देर आर टू वेज ऑफ हैविंग विटामिन D3। हाउ यू कैन हैव इट, लेने का जो तरीका है, फिलहाल अगर आपको कोविड हो चुका है या अगर आपको कोविड है तो एवरी 3 डेज में एक डोज लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिकवर कर चुके हैं, आप कोविड से 1 महीना हो चुका है और अभी आपको इतने सिम्टम्स नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी वापस गेन करने के लिए, आपको थोड़ा आपकी स्ट्रेंथ में हेल्प करने के लिए एवरी 15 डेज 1 डोज ऑफ 60K विटामिन D3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द फर्स्ट सप्लीमेंट। द सेकेंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट विटामिन सी। विटामिन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर एक एक अमाउंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू टेक 1000 mg ऑफ विटामिन सी एवरी डे। तो अगर हम छोटी डोजेस ले रहे हैं विटामिन सी के, हमें हेल्प नहीं करेगा फिलहाल। सो वी हैव टू टेक अ हायर डोज ऑफ विटामिन सी। टू वेज ऑफ टेकिंग इट, वन इज अगर आपको फिलहाल कोविड है तो यू विल हैव टू टेक विटामिन सी 1000 mg ट्वाइस इन अ डे। और अगर आप अभी कोविड से रिकवर हो चुके हैं, फिलहाल आपका इम्यूनिटी लेवल भी थोड़ा डाइसी है, यू हैव टू टेक वंस इन अ डे 1000 mg ऑफ विटामिन सी। आजकल मार्केट में बहुत टाइप्स ऑफ विटामिन सी के टैबलेट्स अवेलेबल है। एफोविसिन टैबलेट्स होती हैं जिन्हें हम पानी में डाल के पी सकते हैं, और एक च्यूएबल टैबलेट्स होती है जो बच्चे भी ले सकते हैं। सो विटामिन सी इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट वन, 1000 mg ट्वाइस इन अ डे फॉर कोविड पेशेंट्स एंड रिकवरी पेशेंट्स वंस इन अ डे।
थर्ड वन विच सप्लीमेंट्स विटामिन सी इज दैट यू नो कभी कभी ये जो हमारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं उन्हें भी सहारा चाहिए होता है अलग से मिनरल्स का, अलग से वाइटामिन का, कि वो इफेक्टिवली अपने बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाए, यू नो. सो फॉर विटामिन सी, फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन सी वेरी वेल इन द बॉडी, वी नीड द हेल्प ऑफ जिंक. सो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मात्रा, जिंक की मात्रा थोड़ी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी. वी हैव टू टेक 50 mg ऑफ जिंक. सो ऐसा कोई सप्लीमेंट अगर आप ले सके जिसमें जिंक की मात्रा 50 mg या 60 mg तक हो, तो एवरी डे वन टैबलेट इज इम्पॉर्टेंट. सो द थर्ड सप्लीमेंट विल बी जिंक इन द अमाउंट्स, हायर अमाउंट्स ऑफ 50 mg पर डे. ओके, सो दिस इज द थर्ड वन. द फोर्थ वन इज कर्क्यूमिन. ओके, मैंने पहले लास्ट एपिसोड में मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की थी, सो दिस इज कनेक्टेड टू दैट. कर्क्यूमिन इज अ वेरी वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फॉर आवर बॉडी. हमें कर्क्यूमिन किसमें मिलता है? हमें हल्दी में कर्क्यूमिन मिलता है. पर अगर, क्योंकि अभी फिलहाल SOS है, इमरजेंसी है, हमारा बॉडी अभी थोड़ा यू नो लो है, हमें रिकवर करने की जरूरत है, तो अगर हम थोड़ी डोजेज में लेंगे तो हमें हेल्प नहीं करेगा, विच इज वाई वी हैव टू इंक्रीज आर डोजेज. तो हम 500 mg कर्क्यूमिन दो बार एक दिन में लेंगे. आजकल कर्क्यूमिन की सप्लीमेंट्स अवेलेबल है. ओके, सो यू कैन एक्चुअली गेट दैट सप्लीमेंट एंड यू कैन स्टार्ट हैविंग इट फॉर कोविड पेशेंट्स हु हैव इट राइट नाउ. 500 mg ऑफ कर्क्यूमिन ट्वाइस इन अ डे इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपने रिकवर किया है तो 500 mg वंस इन अ डे ऑफ कर्क्यूमिन इज मोर देन इनफ. ये जो मैं चार जो सप्लीमेंट्स की बात कर रही हूँ, ये वन मंथ, यू नो, for 1 month it's important for us to take this dosage and in the way that I have explained right now, you know. If we do this, it helps our body recover faster. Uske baad hum 1 month ke baad ise slowly taper down kar sakte hain, you know. Agar aapko koi bhi supplements ke bare mein you know confusion hai aur agar aapko lag raha hai ki aapko ye suit nahi hota, तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन को कंसल्ट कीजिए, और वो आपको ज्यादा बेटर हेल्प कर सकेगी. पर मैंने ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझा दिया है अभी फिलहाल कि ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हाउ टू टेक दीज एंड व्हाट डोजेज टू टेक दीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. ओके, तो करिश्मा आपने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स बताए, कुछ ऐसे कॉमन सप्लीमेंट्स बताए जो कोविड की सीवियरिटी को कम करने के लिए काफी हद तक मददगार होंगे. पोस्ट कोविड हमें कितने समय तक ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ये भी जरूरी है जानना हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत हद तक जो रिकवर नहीं हुए यानी पोस्ट कोविड और धीरे धीरे उनके सिम्टम्स खत्म हो रहे हैं और वो रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे कितने दिनों तक उन्हें ये सप्लीमेंट्स चालू रखने चाहिए? यस, सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि अगर हम फिलहाल, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर 15 दिन हो चुके हैं, 1 month हो चुका है कि वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम मिनिमम 1-1.5 month तक सप्लीमेंट्स लें. ओके, और फिर ये जो सप्लीमेंट्स की जो मैंने बात की है वो हम 1.5 month के बाद हम इसका डोजेज हाफ कर देंगे, हम इसको स्लोली टेपर डाउन करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ वी कैन स्लोली स्टॉप टेकिंग दीज सप्लीमेंट्स. विटामिन डी, आई वुड लाइक टू से दैट स्मिता जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक विटामिन डी सप्लीमेंट्स. तो सबको एटलीस्ट वंस इन अ मंथ तो विटामिन डी का सप्लीमेंट रखना ही चाहिए, लेना ही चाहिए, यू नो. जो बाकी के जो तीन है, जिंक, विटामिन सी और कर्क्यूमिन, इसका जो डोजेज है वो 1.5 month के बाद हम हाफ कर सकते हैं, विच मीन्स कि हम 500 mg ऑफ विटामिन सी वन डे में ले सकते हैं, हम अराउंड 10-20 mg ऑफ जिंक एक दिन में ले सकते हैं एंड कर्क्यूमिन अबाउट 250 or 500 यू नो mg ऑफ कर्क्यूमिन वी कैन टेक इन आवर डेली थिंग्स, और वी कैन टेक आउट द कर्क्यूमिन सप्लीमेंट एंड देन स्टार्ट हैविंग द फूड्स विच आर रिच इन कर्क्यूमिन, एंटी ऑक्सीडेंट फूड्स, यू नो. एंड स्मिता जी, आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ four important foods from our pantry that are very important to have right now. Rose iska, main jaise supplements rose lene hai, right? To same ye jo natural char cheeze hai jo apne kitchen mein milti hai hame, ye rose thoda thoda dosage iska lena bahut zaruri hai. So I'm going to elaborate on that now. So number one is, jaise maine pehle bataya, haldi. Okay, 2 teaspoons of haldi is very important once in a day फॉर एवरीबॉडी. तो आप इसको कैसे लेंगे? अगर आप यूजली दाल चावल या आप यूजली कोई भी कढ़ाई में जो हम बनाते हैं सामान, उसमें तड़का अगर आप हल्दी का नहीं डालते तो यू कैन हैव इट इन द फॉर्म ऑफ अ काढ़ा. हल्दी को कुक करे, अच्छे से बॉइल करे उसको, और उसको काढ़े में डाल के पी सकते हैं. सो 2 teaspoons ऑफ हल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग इज बीट रूट.
एक पूरा बीटरूट पर पर्सन खाना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज फॉर एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स. ये जो चार चीजें मैं बता रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स. सो वन बीटरूट पर पर्सन पूरा खाए बॉइल करके. ओके, थर्ड थिंग इज मोरिंगा. मोरिंगा इज आर जो हम ड्रमस्टिक कहते हैं जिसको, हमारी बड़ी सींग जिसको कहते हैं, ड्रमस्टिक कहते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं ये उसका पाउडर होता है. कुछ लोकल लैंग्वेजेस उसे सैजन बोलते हैं. यस यस करेक्ट, यस यू आर राइट. सो दिस मोरिंगा पाउडर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम मोरिंगा पाउडर को कैसे लेंगे, हम एवरी डे इन द इवनिंग, ओके, हम जो इवनिंग स्नैक्स लेते हैं हमारे, हम जो थोड़ा नाश्ता करते हैं शाम को, या कोई कोई लोग चाय पीते हैं शाम को, उसके बाद वो एक छोटे ग्लास पानी में मोरिंगा का 2 teaspoons डाल के मिक्स करके पानी पी सकते हैं. सो मोरिंगा इज वेरी रिच इन आयरन, वेरी रिच इन B12. यू नो इट हैज लॉट्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिंस राइट नाउ जो बॉडी को इम्यूनिटी देंगे और बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. इट्स वेरी गुड फॉर आर डाइजेशन ऑल्सो. सो दैट्स थर्ड थिंग. एंड द फोर्थ थिंग इज दालचीनी पाउडर, सिनेमन पाउडर. Okay, cinnamon powder is very important. 2 teaspoons of cinnamon powder every day. Diabetics hoenge, unko bahut asar karega cinnamon powder lena. And even if you are not diabetic, it's very useful for you to have dalchini powder once in a day for sure. To ye char jo natural ghar mein cheeze available hai, isko bhi supplements ke saath incorporate karenge, to overall effect zyada acha hoga. जिस सर बहुत दिन पहले मैं एक शो देख रही थी जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी ये बता रहे थे कि किस तरह से वो ड्रमस्टिक्स का एक उनका एक स्पेशल डिश है, वो पराठे बनाते हैं उनका, क्योंकि ड्रमस्टिक्स बहुत ही फायदेमंद है इंफेक्शियस डिजीजेस से बचने के लिए, लड़ने के लिए जो हमारी जो भी एंटीबॉडीज बनती है उसको भी बनाने के लिए ड्रमस्टिक्स काफी फायदेमंद होता है अगर उसको लेंटिल्स यानी दाल के साथ लिया जाए तो. सो बट इसका पाउडर कैसे बनाएंगे करिश्मा, ये थोड़ा आप दर्शकों को बताएं. सो द बेस्ट वे टू हैव ड्रमस्टिक्स, ओके, देयर आर 2 best ways ऑफ हैविंग ड्रमस्टिक्स. मैं आज आगे बढ़ के मैंने एक सैम्पल डाइट प्लान बनाया है, मैं वो आपको बताऊंगी. पर उसके पहले ये जैसे बनाएंगे, जैसे आपने पूछा ड्रमस्टिक कैसे बनाएंगे, सांभर, प्लीज हैव इट इन सांभर. ओके, इट्स द बेस्ट वे टू हैव आर ड्रमस्टिक्स. और उसके साथ आप इडली डोसा खा सकते हैं. इडली डोसा टू हैव एट दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं बिकॉज इट इज फर्मेंटेड. वो दाल और चावल का बना होता है, फर्मेंटेड होता है, नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर, लाइट वेट होता है, डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है बॉडी से. सो incorporating idli and dosa in our everyday diet right now is very important. Uske saath sambhar bahut bahut important hai. Wo sambhar mein bahut achhi cheeze dali jati hai. Actually we put drumstick, we put pumpkin inside, we put a little bit of potato inside, tomato jata hai uske andar, aur masale jo important sare masale hote hain apni you know badi rai jo hoti hai, mustard seeds are put inside it. Nice South Indian masala is put inside the sambar, and along with that coconut chutney is also there. So this is the best way of having drumsticks. Second way is ki aap soup bana ke pee sakte hain. Jaise aapne bataya, you know, there is a reason why it's supposed to be had with lentils. The digestion process also becomes very nice with it. The protein element also goes into our body. So ek hum dal shorba jisko bolte hain ya dal ka soup jo hum jisko bolte hain, to hum waisa ek soup banayenge. और उसके अंदर ही जब हम उसको प्रेशर कुकर में बना रहे होंगे या हम अपने हमने अपनी कढ़ाई में उसको बना रहे हैं, तो हम उसके साथ ये जो सींग है, ड्रम स्टिक्स है, हम उसको उसके साथ ही कुक करेंगे. And that is how we will have it. So these are 2 very nice ways of having drumstick every day. Even if you have it every day, there is no problem. Please have drumsticks every day. It's very good for our health. Weight loss के लिए भी बहुत help करता है. और जब हम उसको अच्छे तरीके से जैसे दाल के साथ मिक्स करके, इडली डोसा के साथ मिक्स करके खाएंगे, तो इट्स नॉट वेरी ओवरपावरिंग फॉर आवर बॉडी आल्सो. सो स्मॉल अमाउंट्स एवरी डे इज गुड. करिश्मा, मिलेनियल्स के लिए बेस्ट सप्लीमेंट्स क्या होंगे? So as I said, right now the need of the hour is our immunity also for the millennials, because you know a lot of us are we eat whatever we want. Hamara ek khud ka mindset hota hai. We don't want to listen to everybody around us. We want to do what we want to do. So some of the important nutrients jo unme kam, you know, usually filhal jo maine dekha hai with women also and with men also. So number one is iron. Iron is very low
बहुत सारी महिलाएं हैं यू नो एंड लॉट्स ऑफ बॉयज ऑल्सो, अगर आप उनका हेमोग्लोबिन चेक करेंगे, आयरन लेवल्स चेक करेंगे, तो आयरन बहुत लो होता है. सो नंबर वन इज कि अगर आपका बॉडी में आयरन लो है, हेमोग्लोबिन लो है, तो स्टार्ट टेकिंग अ सप्लीमेंट फॉर सम टाइम, यू नो, टिल द लेवल्स बिकम नाइस. वंस योर लेवल्स आर एडजस्टेड और आप खाने के साथ उसको एडजस्ट कर रहे हैं, ये सारी सुविधा जी, ऑल दी सप्लीमेंट्स नो, ये ओनली स्टार्ट वर्किंग अगर हमारा डाइट हेल्दी है. अगर हम कचरा खाएंगे और फिर सप्लीमेंट्स लेंगे तो देयर इज नो पॉइंट. सो इफ यू आर ईटिंग अ गुड डाइट, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड अ सप्लीमेंट, यू नो, सो दैट इट कैन सप्लीमेंट अ गुड डाइट. यस. So, करिश्मा, लेकिन अगर बहुत सारे ऐसा लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर जैसे हमारी रिपोर्ट ही नेगेटिव आई है, उन्होंने कोविड का टेस्ट कराया है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, तो क्या उन्हें फिर भी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? बिकॉज बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्स तभी लेने चाहिए जब आप बीमार हो, और अगर आपकी इम्यूनिटी सही है या आप नेगेटिव आ रहे हो तो फिर नहीं लेना चाहिए. आप गाइड करें. सो देरा मेरे पास फिलहाल यू नो लास्ट मंथ में और यू नो लास्ट फ्यू डेज आई हैव गॉट सम पेशेंट्स एंड सम क्लाइंट्स हु हैव हैड दिस प्रॉब्लम के सिम्टम्स है, बहुत फटी है, बॉडी एक हो रहा है, दे हैव वेरी माइल्ड माइल्ड फीवर समटाइम्स एंड इट्स नॉट देयर समटाइम्स. ब्लड रिपोर्ट जब किया तो सीआरपी लेवल्स, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल्स है, वो हाई दिखा रहा है, पर नेगेटिव रिपोर्ट आया है. सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मींस दैट द बॉडी हैज सम फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन और सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, जिसकी वजह से यू नो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या प्रोबेबली यू नो कोविड इज रिएक्टिंग इन अ वे वेयर इट्स नॉट गिविंग अस एनी मैसिव सिम्टम्स, बट थोड़े थोड़े सिम्टम्स छोड़ के जा रहा है, यू नो. सो इन दिस केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के अगर हमें इन्फ्लेमेशन लो करना है बॉडी का, अगर हमें इन्फेक्शन निकालना है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सबका रिपोर्ट पॉजिटिव ही आए. ऐसे बहुत बार ऐसे हो रहा है कि रिपोर्ट्स तो नेगेटिव आ रहे हैं बट उनको बिल्कुल सिम्टम्स हैं उनके, और कई बार रिपोर्ट्स नेगेटिव आने की वजह से या तो वो अपना ट्रीटमेंट नहीं प्लान कर रहे हैं, या वो सप्लीमेंट्स नहीं खा रहे हैं, ना वो अपने डाइट पे ध्यान दे रहे हैं. सो आई थिंक ये सिम्टम्स जो हमें दिखा रहे होते हैं या हमें जो बता रहे होते हैं बॉडी को, वो उस पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है. आरटीपीसीआर बहुत बार नेगेटिव आ रहा हो रहा होता है बहुत सारे पेशेंट्स में, बल्कि सीटी स्कैन में उनका सीवियरिटी स्कोर काफी रहता है. यस यस, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दैट आई मेंशन दैट अगर थोड़ी डेफिशिएंसीज होंगी बॉडी में, तो अगर ऑन द स्पॉट थोड़ा बढ़ाना है वो डेफिशिएंसीज को, तो सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, जिसके वजह से थोड़ा लेवल में आने लगेगी चीजें. अगर हम डाइट को, सिर्फ डाइट के ऊपर हम अगर फोकस करेंगे, द नेचुरल प्रोसेस टेक्स सम टाइम. It takes 1 month, 1.5 months, 2 months for the body to start recovering and getting the levels higher. पर अगर emergency है, बहुत fatigue है, bed से हम उठ नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा बुखार है, भूख नहीं लग रही है, you know, lot of people are complaining of diarrhea. A lot of people on the flip hand are complaining of constipation. तो अगर ये सब problems हो रही हैं, तो definitely there is vitamin D deficiency, definitely there are no antioxidants in the body. Stress की वजह से भी ये सब हो सकता है. So to reduce all these things, जो चार supplements मैंने जो starting में बताए थे, वो अगर कोई भी चालू करेगा फिलहाल, तो it will help them right now. Even with their normal reports, एक बार report करा के CRP levels अगर high आ रहे हैं, supplements और good diet से अगर हम लोग ने उसको help किया, rest किया. Sleep is very important. Sleep is absolutely important. अगर ये तीन चीजें हो गई बैलेंस, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड सीआरपी उनका रिपोर्ट आएगा, it'll be way lesser. All the inflammation in the body will become very less. Definitely. Mild cold को ट्रीट करने के लिए किस तरह के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, especially जब बच्चों में या टीनेजर्स में जो हल्का फुल्का जो सर्दी जुकाम या खांसी जैसी रहती है, तो उसको हम लोग किस तरह से सप्लीमेंट से बेटर कर सकते हैं? Again, mild cold, as I said. So what happens is ke agar kisi ko sardi, khasi, sinus, flu wagera bahut zyada hota hai, so it's a clear indication ke unke andar nutrient deficiencies hai. Very clear. Even if there are kids, or even if you know it's an adult who has this, to न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज का क्लियर साइन है, क्योंकि अगर बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स जेनरेट नहीं हो रहे हैं, या फिर हमारा ओवरऑल इम्यूनिटी लेवल लो है, तो ऑटोमेटिकली वी आर ओपन फॉर इन्फेक्शंस. सो फॉर देम द सप्लीमेंट्स दैट दे कैन टेक एट द मोमेंट इज विटामिन सी एंड जिंक टुगेदर. छोटे डोजेस में ले सकते हैं, बड़ा डोज सर्दी खांसी के लिए बड़े डोजेस की जरूरत नहीं है. सो
सो विटामिन सी एंड जिंक फॉर देम, विटामिन डी फॉर श्योर जैसे मैंने बताया, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन फॉर कोल्ड फ्लू एंड एवरीथिंग, B12. विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज आर रेजिस्टेंस पावर टूवर्ड्स द कोल्ड्स एंड कॉमन कोल्ड्स एंड कॉफ्स एंड एवरीथिंग. और वन मोर थिंग, अगर रेगुलरली स्टीम लेंगे, यू नो स्टीम इनहेलेशन कोई लेगा तो दिस विल हेल्प देम रिकवर फास्टर फ्रॉम देयर कोल्ड. एंड नो डेयरी प्रोडक्ट्स इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड कॉफ एंड साइनस इश्यूज, थोड़े टाइम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद कर दे, कंप्लीटली बंद कर दे, रिकवरी प्रोसेस फटाफट जल्दी बढ़ जाएगा उनका. सबसे इम्पोर्टेंटली, बहुत लोग भी विटामिन D3 और D के लिए सन बाथ को प्रेफर करते हैं, मीन्स धूप में बैठते हैं, उनको लगता है ये उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. आप इसके बारे में क्या कहते हैं करिश्मा? Yes, the sun exposure is extremely important. Sweta ji, one of the reasons why so many people are deficit now in vitamin D is because agar aap dekhe, hum always andar hi rehte hain. सब अंदर ही हैं और बाहर जाते ही नहीं कहीं पे. नहीं खेल पाते हैं तो बहुत हमें बहुत हमारा जो सन का एक्सपोजर है वो काफी हद तक कम हो गया है. यस, ये स्पेशली कोविड पेशेंट्स को और उन्हें भी जो हाल फिलहाल में ही कोविड से रिकवर हो रहे हैं. Yes, so I'll explain. मैंने एक छोटा सा sample diet plan बनाया है जो I will share, and these guidelines is what they can follow. Firstly, after waking up, please chai coffee नहीं पिए directly, okay? Causes a lot of acidity, is not good for our stomach, it's not good for diabetics also because of their insulin levels. So please don't drink tea and coffee as soon as you wake up. How you will start your morning is you have to have one banana and 5 almonds. ओके, ये आलमंड्स हम रात को सोक करेंगे तो वी कैन हैव द ओवरनाइट सोक्ड आलमंड्स इन द मॉर्निंग. वन बनाना एंड 5 आलमंड्स आफ्टर वेकिंग अप. आफ्टर दैट इफ यू वुड लाइक टू हैव 1 कप ऑफ टी और 1 कप ऑफ कॉफी जो आप यूजुअली लेते हैं वो आप ले सकते हैं, बट प्लीज ईट द बनाना एंड द आलमंड्स बिफोर योर टी एंड कॉफी. सेकेंड थिंग इज फॉर ब्रेकफास्ट, जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें एग्स खाना चाहिए ब्रेकफास्ट में, इन एनी फॉर्म दैट दे वॉन्ट. दे कैन ईट एग्स, दे कैन ईट एन ऑमलेट, बॉइल्ड एग्स, यू नो एग फ्राई, व्हाटएवर. एंड फॉर वेजिटेरियन प्लीज इनकॉर्पोरेट ओट्स. ओके, डायबेटिक्स ऑल्सो प्लीज इनकॉर्पोरेट ओट्स इन व्हाटएवर फॉर्म यू लाइक. जैसे एक हो गया, यू नो मिल्क के साथ ओट्स खा सकते हैं, उसके अंदर दूसरा कोई फ्रूट डाल के. ओके, देन द सेकंड वे इज दे कैन हैव ओट्स चिला. ओट्स का चिला बनता है, उसमें राइस का आटा मिक्स कर सकते हैं, ओट्स को ब्लेंड कर सकते हैं. वी कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, ऐड सम मसाला, यू नो पीसा हुआ ग्रीन मिर्ची, जिंजर, आर स्पाइसेस, मेक ओट्स चिला एंड हैव विद सम ग्रीन चटनी फ्रेश विच इज मेड एट होम. थर्ड वे ऑफ ईटिंग ओट्स इज लाइक अ पॉरेज, हम गर्म करके उसे खा सकते हैं लाइक अ पॉरेज. वी कैन ऐड सम नट्स इनसाइड, सम डेट्स इनसाइड फॉर नेचुरल स्वीटनेस. शुगर नहीं ऐड कीजिएगा उसके अंदर, बनाना, मैंगो या डेट्स ऐड कर सकते हैं. रेजन्स, हमारी जो द्राक्ष बोलते हैं जिसको, वो रेजन्स हम नेचुरल स्वीटनेस के लिए उसमें ऐड कर सकते हैं. So your breakfast should be either one of these things that I have just told you right now. After that, what you will do is your lunch. So lunch is very important and you have to have a simple lunch. Okay. So there are two ways of doing things. Have either nachni roti or have either jawari roti. Okay. Aur aap ye dono aate ko mix karke bhi roti bana sakte hain. Try and avoid gehun ka aata aur gehun ki roti mat khaiye thode time ke liye. Half and half ragi and half and half jowari, 50% 50% mix karke aate ka roti bana ke, nice sabzi of your choice. Bahut sari options hai filhal, doodhi ka sabzi, tindi, bindi, आलू मेथी, लॉट्स ऑफ सब्जी, यू नो आप बेसिक सब्जी जो हम खाते हैं. यू कैन हैव मिक्स वेजिटेबल्स ऑल्सो. देन आफ्टर योर लंच इज डन, आफ्टर यू ईटन योर रोटी, एंड प्लीज कीप सिंपल लंचेस. प्लीज लंच को बहुत ज्यादा ओवर पावर ना कीजिए. उसको अचार, पापड़, रोटी, सब्जी, फरसान और यू नो मैंगो और आमरस के साथ मत कॉम्प्लिकेट कीजिए फिलहाल. जितना सिंपल रखेंगे उतना बॉडी के लिए बेटर रहेगा, डाइजेशन के लिए. सो आफ्टर वी ईटन आवर लंच ऑफ रोटी एंड सब्जी, वी हैव टू वेट फॉर 15 मिनट्स, एंड आफ्टर 15 मिनट्स वी हैव टू हैव 4 कैश्यूज एंड अ लिटिल बिट ऑफ जैगरी और सूट.
ओके। सूट का पाउडर हल्का सा जैगरी में मिक्स कीजिएगा और 4 कैश्यू नट्स के साथ खाइएगा। इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन, वेरी गुड फॉर आवर गट हेल्थ, वेरी गुड फॉर जिंक ऑल्सो, एंड इट्स गॉट ऑल दीज नाइस प्रॉपर्टीज विच हेल्प अस curb our sugar cravings so that we don't crave for a lot of sugar. Okay, so this is important after lunch. Lunch mein rice aur dal bhi le sakte hain Karishma, jo log roti pasand nahi karte aur chawal hi khate hain. Yes, so for these people, agar aap roti nahi pasand karte to sirf chawal aur dal hi lijiye aur aap thoda sabzi le sakte hain. It's not a good idea to mix roti and chawal together. बहुत ज्यादा कार्ब्स हो जाता है बॉडी के लिए, इंसुलिन लेवल्स बढ़ने लगते हैं, डायबिटिक्स के लिए बिल्कुल मना है ये सब करना। सो स्टिक टू ईदर रोटी एंड सब्जी एंड लिटिल बिट ऑफ दाल, और दाल चावल एंड लिटिल बिट ऑफ सब्जी। सो दैट इज व्हाट योर लंच शुड बी लाइक। एंड द कर्ड शुड बी एडेड, इसमें दही ऐड कर सकते हैं। आइडियली आई वुड नॉट टेल यू टू ईट कर्ड और हैव छास विथ योर मील्स, इट शुड बी अ सेपरेट थिंग दैट यू डू। अगर आपको दही लेना है तो आप एक रायता बनाइए, ओके। रायता आप बहुत बहुत अच्छी चीजों का रायता बन सकता है, क्यूकम्बर ग्रेट करके हम डाल सकते हैं, अनियन टमेटो हम कर्ड के अंदर डाल सकते हैं, आलू का बहुत ही टेस्टी रायता बनता है। सो यू नो दीज आर द रायताज दैट यू कैन मेक, और यू कैन हैव बटर मिल्क, ओके, बट डोंट हैव इट अलॉन्ग विथ मील्स, हैव इट एज अ सेपरेट थिंग। हम अपना लंच लेंगे, उसके एक घंटे तक हम वेट करेंगे। आफ्टर वी क्रॉस दैट वन आवर देन वी कैन हैव वन बोल ऑफ रायता और वी कैन हैव वन ग्लास ऑफ छास। सो दैट इज हाउ द कर्ड और बटर मिल्क इज सपोज टू बी हैड। हैवी लस्सी अवॉइड कीजिएगा, जो ज्यादा थोड़ा ज्यादा शुगरी होती है या बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है, सो अवॉइड दैट। अच्छी थिन मसाले वाली, यू नो स्पाइसेस वाली छास बहुत अच्छी होगी फिलहाल, यू नो समर के लिए और डाइजेशन के लिए, और कोई भी नाइस फ्रेश रायता बहुत अच्छा होगा फिलहाल। सो वंस दिस इज डन इन द इवनिंग्स, ओके, दिस इज इन द टाइम ऑफ बिटवीन 4:35, सो देयर आर टू थिंग्स दैट वी कैन डू। वन इज दैट वी कैन हैव वन ग्लास ऑफ नींबू पानी, ओके, अच्छे से जो घर पे नींबू पानी बनता है। प्लीज पैकेट वाला नींबू पानी नहीं पीना, ओके। बहुत सारे आजकल पैकेट वाले नींबू पानी आते हैं, वो ग्लूकॉन डी एंड एवरीथिंग, नो मिक्सिंग एनी पाउडर और एनीथिंग, ओके। जस्ट घर का नींबू, सॉल्ट, पेपर, लिटिल बिट ऑफ यू नो mint leaves if you want to add to it, ginger you can grate and add to it, you know, sweetness ke liye aap uske andar honey dal sakte hain ya sugar thoda dal sakte hain, you know, acha ghar pe bana fresh neembu pani pijiyega one glass, or then the second option is what, so anybody who has recovered from covid or who has covid right now, fluid intake is very important for them ji. जितना फ्लूइड बेसिकली डेली में कंज्यूम करते थे उसका डबल करना पड़ेगा अभी। जैसे कि अगर हम 2 लीटर पानी पीते थे तो अभी हमें 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा। फ्लूइड्स हमें, जितने हम फ्लूइड्स ले सके उतना अपने बॉडी के लिए अच्छा होगा। हाउ कैन वी हैव फ्लूइड्स? वन, वेजिटेबल जूसेस, सेकेंड नींबू पानी और छास, थर्ड वे इज हैव सूप, फोर्थ वे इज हैविंग काढ़ाज ट्वाइस इन अ डे, घर पे बना हुआ काढ़ा, और हम पानी, लेट्स नॉट फॉरगेट द मेन थिंग वाटर, सिंपल प्लेन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज 3 लीटर तो पानी सब लोग को पीना ही चाहिए, बहुत सारे लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर थिंग, वाटर ऐड कर सकते हैं क्या करिश्मा? बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कोकोनट वाटर भी पोस्ट कोविड रिकवर करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। Yeah, it's fantastic for electrolyte balance and everything also. So coconut water, जैसे मैंने अभी शाम को आपको बताया कि नींबू पानी में second बताने वाली थी, the second option is the second option is coconut water. So you can either have one glass of नींबू पानी or you can have one glass of coconut water. The third thing is कोकम. So हमारे घर में कोकम होता है, अगर हमें fresh कोकम नहीं मिलता है तो we all get dry कोकम at home, जो हम दाल और you know हमारे basic कढ़ी और सब बनाते हैं तो उसमें हम कोकम डालते हैं। So what you have to do is, कि रोज सुबह को अगर आप एक जार लेंगे उसमें आप 4 से 5 कोकम डालेंगे और पानी फिल करके उसको डालेंगे, उसको इन्फ्यूज करने देंगे हम थोड़े टाइम के लिए, 1 to 2 hours, पूरे पानी का कलर चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम अ नाइस पिंक कलर काइंड ऑफ अ ड्रिंक, यू नो। तो हम शाम को क्या करेंगे, ये जो पानी है हम उसको थोड़ा सा जीरा लेंगे, थोड़ा सा शुगर लेंगे और थोड़ा सा हम अपना सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं, वो ऐड करेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे एंड वी हैव दिस कोकम वाटर।
सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन द इवनिंग्स, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, डिहाइड्रेशन कम करने के लिए और ओवरऑल बॉडी को अल्कलाइन और कूल रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी बॉडी अल्कलाइन रहेगी उतना इन्फेक्शन कम रहेगा. हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी अगर एसिडिक रहेगी, जितनी ज्यादा एसिडिटी रहेगी उतना इन्फेक्शन बॉडी में ज्यादा रहेगा, और जितनी बॉडी अल्कलाइन रहेगी पीएच वैल्यूज अच्छे रहेंगे, इन्फेक्शन कोविड सब कुछ कम रहेगा फिर. सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द राइट काइंड ऑफ हाइड्रेशन विद इनकॉर्पोरेटिंग नींबू पानी, कोकम का शरबत और कोकम वाटर लाइक आई जस्ट एक्सप्लेन राइट नाउ, कोकोनट वाटर, सूप्स, काढ़ास, सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वेजिटेबल जूस ऑल्सो, वेरी अल्कलाइन इन नेचर, सो प्लीज हैव वेजिटेबल जूस ऑल्सो वंस इन अ डे. और डिनर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट डिनर. I've met a lot of people now and you know itne clients bhi aate hai and everybody wants variety in dinner, everybody wants to eat fancy things for dinner. Please don't do that right now because of you know all the things that are happening around us and because our body needs that kind of rest. Raat ko do cheeze follow kare. Ek 8 o'clock tak dinner kha le please. The earlier you eat your dinner, the better it is for your body to be able to digest it and be in a state where dusre din subah utke fresh feel kar sake hum aur tired feel na kare. So 8 pm ke andar andar please dinner complete kar le. Aur second thing is that keep your dinner very simple. There are two options. Number one is basic dal chawal aur uske sath thoda achar lenge hum. Okay, any ghar pe jo hamara bana hota hai koi bhi ek chamach achar uske sath hum lenge. So either any type of dal that you like, you know, hum sab ke ghar mein alag alag type ki dals banti hai. Hum usme pulses bhi dal sakte hain. Jaise for example, hum akhe moong ki dal bana sakte hain. Matki use kar sakte hain. Wal hum bolte hain. Usko use kar sakte hain. To ye zaruri nahi hai ki hume khali tuer ki dal hi ya to fir arhat ki dal hi banani hai. Bahut sare options hain. You know, bhat ki dal bolte hain. Hum soyabean ki dal ko bhat ki dal bolte hain. So please incorporate that also. Kulits ki dal milti hai. Incorporate that also. So there are varieties of dals. Alag alag roz banaiye. But dal chawal achar ka simple dinner rakhe. Or the second option is khichdi. You can make a nice vegetable khichdi. Okay. उसमें आप मिक्स वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, आपको कभी कभी अगर उसके अंदर थोड़े हमारे सोया ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, यू नो देयर आर सोया ग्रैन्यूल्स यू गेट इन द मार्केट, सो यू कैन ऐड दी सोया ग्रैन्यूल्स इन द खिचड़ी ऑल्सो. देन हम कैन इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट टेस्ट के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि एक खिचड़ी बोरिंग ही होनी चाहिए. वी कैन इनकॉर्पोरेट डिफरेंट फ्लेवर्स इन टू इट, यू नो. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें यू नो रेडीमेड पाव भाजी का मसाला मिलता है, राइट? सो यू कैन एक्चुअली, बहुत टेस्टी बनता है, मेरा फेवरेट है और मैं खुद बनाती हूँ और ज्यादा खाती हूँ उसको. बट यू कैन एक्चुअली मेक पाव भाजी फ्लेवर्ड खिचड़ी एंड इट टेस्ट फैंटास्टिक, इट टेस्ट वेरी नाइस. आपको ऐसा लगेगा कि आप पाव भाजी खा रहे हैं बट इट्स अ हेल्दी वर्जन ऑफ. सो बिल्कुल there are lots of nice, we can innovate lot of things as Karishma ne bataya ki bhai pav bhaji khichdi bhi ho sakta hai. Aur bahut baar Karishma aisa hota hai ki covid ki wajah se bukhar jo aa raha hota hai patients ko to unko jo ye khane ka jo swaad hai wo chala jata hai is samay. Yes. Bahut baar unhe kuch bhi khane ki ichcha nahi hoti lekin yes ye unke tabiyat ke liye aur kharab hai because ye unke sharir mein immunity ko aur kam karega aur rog pratirodhak kshamta ko bhi kam karega. तो आप जो डाइट बता रहे हैं उससे बिल्कुल ही फॉलो करना चाहिए और उसमें कुछ भी जैसे कभी कभी कुछ और जैसे फ्रूट सैलड्स हो गए या जैसे आपने स्मूदीज की बात की थी हमारे शुरू के एपिसोड्स में कि हम लोग वेजिटेबल स्मूदीज बना करके भी ले सकते हैं, तो वो अभी कोविड के पेशेंट्स भी ले सकते हैं. They can take it, but I would avoid a lot of raw vegetables right now. कि अगर आपको you know maybe थोड़े symptoms है, आपको ज़्यादा aggravate नहीं हुआ है, या आप थोड़े you know you've just recovered right now, I would not tell you to eat a lot of raw vegetables. एक glass अगर आपने you know जैसे beetroot हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, थोड़ा mint leaves, थोड़ा coriander हो गया, आपने इसका अगर जूस बना के पिया तो नो प्रॉब्लम, इट्स सेफ टू हैव, वन ग्लास कोई भी पी सकता है. पर जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और
जो थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेजिटेबल्स है उसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगी फिलहाल ज्यादा रॉ खाने के लिए. जितना पका के खाना खाएंगे फिलहाल उतना अपने स्टमक के लिए और डाइजेशन के लिए और इम्यूनिटी के लिए अभी फिलहाल अच्छा रहेगा. तो चलते चलते करिश्मा एक और ऐसा भी आप वेजिटेबल सूप बता दें जो अभी के कोविड पेशेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा और उनको इस रोग से लड़ने की ज्यादा से ज्यादा ताकत देगा. तो सूप अगर हम बात करते हैं तो हम हमेशा बोलेंगे कि गर्म सूप होना चाहिए, बट एक्चुअली देयर इज समथिंग कॉल्ड कोल्ड सूप. ओके, और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट. सो फिलहाल जो बेस्ट जो एनवायरमेंट में यू नो समर के लिए जो सबसे बेस्ट है इट्स कॉल्ड द क्यूकम्बर कोल्ड सूप. सो हाउ वी विल मेक इट इज दैट हमें क्यूकम्बर लेना है और क्यूकम्बर अल्कलाइन होता है हमारे बॉडी के लिए. तो जितना हम क्यूकम्बर खाएंगे उतना हाइड्रेशन भी बढ़ेगा और बॉडी में अल्कलाइन भी लेवल्स भी बढ़ेंगे. सो बहुत सारे रेसिपीज ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर वो क्यूकम्बर सूप कोल्ड सर्च करेंगे तो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ वेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज. सो आई थिंक यू शुड एवरीवन शुड ट्राई दैट, क्योंकि कोई कोई कभी कभी इनको लगता है कि मुझे गर्म सूप नहीं पीना है. सो दिस इज अ नाइस वे ऑफ हैविंग कि उन्हें गर्म सूप पसंद नहीं होता वो नहीं पी पाते, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है. Yeah, so you can have cold cucumber soup. It's made in the same way. You have to use a lot of cucumber. आप उसमें drumsticks भी actually डाल सकते हैं, you know. And उसका जो base होता है basically, it's a clear soup kind of a base. उसमें इतने हम इतना heavy नहीं बनाते उसको. It's a light soup. It's got a lot of उसके अंदर अच्छा फुदीना जाता है, उसके अंदर अच्छा कोथमीर जाता है, you know. We can put a little bit of palak also if we want inside it. But sabse zyada cucumber rahega. And, you know, we blend everything together. And after we blend cucumber, palak, kothmir or fudina, hum is sabko blend karke strain karenge. So that we only have the clear liquid with us. Okay. It'll be a nice green color liquid. And uske andar all we have to do is we have to add a little bit of, you know, our lemon juice. Hum thoda hamare, thoda rock salt as per everybody's taste we can add. And a little bit of jeera powder. And that's it. Your cold cucumber soup is ready. And you can actually have this every single day. आप एक glass पी सकते हैं उसको. And you know, you're not going to feel like मैंने मुझे गरम सूप पसंद नहीं है तो मैं कुछ सूप नहीं पीऊंगी. पर ये एक अच्छा option है alkalinity बढ़ाने के लिए. So I think it is a very good advice from Karishma Shah कि COVID और COVID से जो patients recover हो रहे हैं उन्हें किस तरह से अपने diet को follow करना चाहिए, किस तरह का diet plan लेना चाहिए, साथ साथ अपने खाने में क्या include करना चाहिए और क्या include नहीं करना चाहिए. हम इसी तरह से आपके साथ हर Friday 6 PM करिश्मा के साथ मौजूद रहेंगे और आपके health और diet से related सवालों के ज्यादा से ज्यादा जवाब देने की कोशिश करेंगे. अगर आपको भी किसी health खासकर COVID या किसी और topic से related डिस्कशन करना है तो काइंडली आप team@medicircle.in पे हमें मेल करें. हम जरूर कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक को अपने अपने एपिसोड में आने वाले एपिसोड में शामिल कर सके और करिश्मा शाह उस पे भी हमारे ऑडियंस को अच्छे टिप्स और एडवाइस दे सके. थैंक यू सो मच करिश्मा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. स्टे सेफ. थैंक यू. आई होप एवरीथिंग हेल्प्स पीपल. थैंक यू. यस थैंक्स. बाय बाय.